दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल रात में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था दोस्तों, जिसमें बताया था कि 5 बिलियन से रिकवरी ऑप्शन जो है, रिकवरी एक्सेस का जो ऑप्शन है, वहां प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही आप रिकवरी एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये फॉर्म आपके सामने खुलता है। ठीक है, ये देखिए फॉर्म है दोस्तों। इस फॉर्म को आप ध्यान से देख लीजिए क्या क्या भरना है। और मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आप एक पेपर में लिख लीजिए, क्योंकि एक स्पेलिंग भी गलत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ पे फॉर्म में लिखा हुआ है, यूजर नेम है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपका कंट्री इंडिया है, तो आप लिख लीजिए दोस्तों। ठीक ना, ये मतलब अच्छा रहेगा, लिखने से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। बहुत लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, बोलते हैं कि सर ये कुछ है, ये तो हमको मालूम ही है, हो जाएगा। तो प्लीज मेरे भाई, हो तो जाएगा लेकिन लिख लीजिए आप। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमको यूजर नेम नहीं मालूम है अपना, कि हमने क्या डाला था। तो भैया चलिए इस वीडियो में मैं भी वो बता दूंगा, डोंट वरी, चिंता नहीं कीजिए कैसे आप अपना यूजर नेम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यूजर नेम ही देखना आपको बताऊंगा, तब मैं फॉर्म भरूंगा। उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा कौन सा ईमेल आईडी है वो भी नहीं पता है। तो भैया मैं तो एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि 5 बिलियन सेल्स में मेरा कौन सा ईमेल आईडी है। वो वीडियो आपने देखा होगा तो बिल्कुल आप अपना ईमेल आईडी निकाल लिए होंगे कि हाँ भैया मेरा ये ईमेल आईडी है, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे ईमेल आईडी आपको रखते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों, वो भी इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है दोस्तों कि जो भी फॉर्म दिया हुआ है बहुत ईजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं ये चीज। तो अब मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अब मिस्टेक अगर कीजिएगा ना तो 5 बिलियन सेल्स में फिर आप काम करने के लायक बिल्कुल नहीं है। क्लियर मैं बात बोलता हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर 5 बिलियन सेल्स में काम करना है तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आना ही चाहिए। इंग्लिश की जानकारी, अंग्रेजी का जानकारी आपको जरूर होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं है भैया तो बड़ा मुश्किल है फिर, क्योंकि बराबर आपको किसी ना किसी से मदद लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो मैं हूं हमेशा, लेकिन इंग्लिश की जानकारी थोड़ा बहुत होनी चाहिए 5 बिलियन सेल्स में काम करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे रिकवरी एक्सेस का फॉर्म भर के आपको दिखाने वाला हूँ। और चलिए, सब्र का फल है दोस्तों, सब्र हमने किया है, पेशेंस किया है, तो आज ये नतीजा आपके सामने है। और जिन लोगों ने पेशेंस नहीं किया है, यहाँ छोड़ के चले गए हैं, तो भैया क्या किया जाए, उनको बाय बाय करके चले गए हैं तो उससे क्या फायदा उनको हुआ। लेकिन चलिए, हम लोग लकी है दोस्तों या भाग्यशाली है कि 5 बिलियन सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं और 5 बिलियन सेल्स से अपना आगे का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो पेशेंस, देखिए पेशेंस का नतीजा यही होता है। तो आप लोगों ने पेशेंस रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया कि पेशेंस रखा, मैंने भी पेशेंस रखा। और देखिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ, प्रोसेस जो है आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपने मोबाइल में आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों, और वहां पे आपको सारा कुछ करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मेरा स्क्रीन आ गया होगा, और देखिए इस स्क्रीन में मैं यहाँ पे 5 बिलियन सेल्स को ओपन करने जा रहा हूँ दोस्तों। ओपन मैं कर रहा हूँ तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए रिकवरी एक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, तो इस पे आपको क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो फॉर्म आ जाएगा जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन दोस्तों मैं अभी क्लिक नहीं करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका यूजर नेम क्या है। तो अगर आपको ईमेल आईडी अपना याद है तो वहां से आप यूजर नेम चेक कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी नहीं याद है तो दोस्तों मैं आपको बस यही कहूंगा कि वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी कौन सा है। जैसे देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा जो ईमेल आईडी है, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे है दोस्तों, मैं जानता हूँ। ठीक है ना, मेरा ईमेल आईडी यही है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब दोस्त यहाँ पे करना क्या है कि मेरा यूजर नेम चेक करना है, तो यहाँ बस करना यही है कि 5 बिलियन सेल्स यहाँ टाइप कर देना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 बिलियन सेल्स है, ये 5 बिलियन सेल्स, देखिए कहीं भी गैप नहीं है, है ना, 5 के बाद बिलियन सेल्स लिखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे लिखना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ये देखिए 5 बिलियन सेल्स आ जाएगा। अब किसी भी 5 बिलियन सेल्स को यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऊपर में जो भी आता है डियर लिख करके, डियर देखिए दोस्तों यही मेरा यूजर नेम है। तो आप लोग अपना यूजर नेम चेक कर सकते हैं, डियर मुकेश कुमार 007 ये मेरा है। तो आप यहाँ जो भी आएगा डियर के बाद लिखा हुआ वो आपका यूजर नेम होगा। क्लियर है, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, गलती कहीं पे नहीं होना चाहिए, समझ गया दोस्त? क्लियर है, हाँ। तो ठीक है दोस्तों, यूजर नेम मैंने बता दिया। ईमेल आईडी के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप एक एक बार चेक करते रहिएगा, जितना ईमेल आईडी आपके मोबाइल में है सब में जाके 5 बिलियन सेल्स सर्च कीजिए, जिसमें 5 बिलियन सेल्स से ऐसा लिखा हुआ आ गया, इस तरीके से फोल्डर बन के आ गया, समझिए कि वही आपका ईमेल आईडी है। आप उसको क्लिक कीजिएगा तो आपका यूजर नेम दिख जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं बता दिया आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आपका आ गया है होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ईमेल आईडी आएगा। ये देखिए, मेरा भी बहुत सारा ईमेल आईडी है, मगर मैं ये ईमेल आईडी रखा हुआ, देख लेता हूँ एक बार मैं भी कि भैया कुछ गलती नहीं हो। ठीक है, पूरा स्मॉल में लिखा हुआ है। और दोस्त एक बात मैं बता दूँ कि यूजर नेम हमेशा
यूजर नेम हमेशा दोस्तों स्मॉल में होता है, आप लोग कैपिटल नहीं डालिएगा। बहुत लोग पहला लेटर कैपिटल डाल रहे हैं, जैसे देखिए मुकेश कुमार है 007, तो एम कैपिटल नहीं डालिएगा। बहुत लोग कैपिटल डाल रहे हैं, सब स्मॉल होगा दोस्तों, अब बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं दोस्तों, चलिए फॉर्म को यहाँ ओपन करते हैं। तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें जाना पड़ेगा 5 बिलियन सेल्स में। तो देखिए दोस्तों 5 बिलियन सेल्स को ओपन कर दिया हमने, ठीक है ना। अब आते हैं रिकवरी एक्सेस पे क्लिक कीजिएगा, ये बगल वाला पे कभी क्लिक मत कीजिएगा, लाल वाला पे। लाल हमेशा खतरा का निशानी होता है, कलर देख के समझ लीजिए। इस पर क्लिक कीजिएगा, रिमूव जो रिकवर एक्सेस है, ये ऑरेंज वाला है दोस्तों, इस पर क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवर अकाउंट सेटअप 1। यहाँ पे दोस्तों कोई टाइमिंग वगैरह नहीं दिया हुआ है, आराम से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सेटअप 1 स्टेप 1 है दोस्तों, जब हम लोग ये कर लेंगे तो आगे हो सकता है स्टेप 2 हम लोग से पूछे, तो आने वाला जब समय होगा उसमें पूछेगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे यूजर नेम डालना है तो चलिए आराम से डाल लीजिए, यहाँ पहले इसको स्मॉल कर लेते हैं आराम से दोस्तों, एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं डाल रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे MUKESH KUMAR ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी भैया ध्यान से डालिएगा ताकि आपको गलती ना हो, ठीक है। स्पेलिंग मिला लीजिएगा, इसलिए मैं बोला था कि लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, मेरा कीबोर्ड ले लिया, kul.mail@mukesh0.0, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीमेल यहाँ पे .com होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका गलती नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि वैलिड ईमेल एड्रेस है, मतलब यहाँ पे डॉट के बाद स्पेस हो गया, देखिए ये आपको खुद सचेत कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, तो गलती हो गया है दोस्तों इसको। चलिए यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे कॉम लिखता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए सही हो गया, तो ये आपको गलती भी सुधारने का मौका दे रहा है। देखिए kul.mail@mukesh0.0@gmail.com, ठीक है, मतलब डॉट के बाद स्पेस हो गया था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे लिख रहा था कि वैलिड ईमेल एड्रेस डालिए, ठीक है। आप देख सकते हैं kul.mail@mukesh दोस्तों हम बार बार चेक कर रहे हैं ताकि गलती का गुंजाइश कहीं पे ना रहे। आप बैक मत होइएगा, बहुत लोगों का आदत है कि बैक होकर वहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, ये गलती कभी मत कीजिएगा। जब टाइप कर रहे हैं तो टाइप कर रहे हैं, बैक मत जाइएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए बैक कभी नहीं जाना है, मतलब यहाँ पर रहना है तो यहीं पर रहना है, इसलिए लिख लीजिए, बैक जाने का कोई संभावना ही नहीं। कॉपी पेस्ट करने का यहाँ पे आप मत वो उपाय कीजिएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों अब आते हैं रजिस्टर, देखिए दोस्तों रजिस्टर फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम जो मेरा है वो मैं डाल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों फर्स्ट नेम। बहुत लोग बोलेंगे सर एम कैपिटल है, हमें एम कैपिटल डाले थे, जाहिर सी बात होता ही है, मुकेश यहाँ पे कुमार के कैपिटल हो गया दोस्तों, आप ध्यान दीजिए ये जो बोल रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद है प्लीज सेलेक्ट पे करेंगे, उसके बाद दोस्तों इंडिया डालना है, आपको मालूम है। चलिए यहाँ पे आते हैं इंडिया पे, बहुत लोग यहाँ पे भी गलती करेंगे तो भैया गलती मत कीजिएगा। देखिए इंडिया हो गया, एक बार फॉर्म पूरा अच्छा है देख लीजिए, मुकेश कुमार 007 मेरा यूजर नेम है, kul.mail@mukesh0.0@gmail.com ये मेरा दोस्तों वो है ईमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम मुकेश, लास्ट नेम कुमार, और उसके बाद दोस्तों इंडिया। देखिए यहाँ पे आप हटा भी लीजिएगा तो यहाँ पे आपका रजिस्टर लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख लिए कुमार, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंडिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको स्टार्ट रिकवरी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अच्छा सब कुछ भर लिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट रिकवरी पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रिकवरी ऑफ योर अकाउंट हैज स्टार्टेड, आपका जो है रिकवरी के जो अकाउंट का जो है वो स्टार्ट हो चुका है। योर रेफरेंस नंबर इज शो बिलो, ओनली वन रिकवरी कोड परमिटेड पर पर्सन, एब्यूज ऑफ रिकवरी सिस्टम विल रिजल्ट इन परमानेंट डिलीशन। दोस्तों ये बोल रहा है कि आपका जो कोड है यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए दोस्तों इसको मैं हाइड करके रखा हुआ हूँ, सब लोग का कोड मिलेगा, यहाँ पर हाइड करके मैं रखा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर आप सब लोगों के लिए अलग अलग ही कोड है, ऐसा नहीं कि सेम कोड सभी को मिला है, अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो भैया आपका परमानेंट आईडी डिलीट हो सकता है। योर रिकवरी कोड कैन बी यूज्ड टू एक्सेस रिजल्ट पेज टू चेक इफ द डिटेल्स यू इंटर मैच योर प्रोफाइल। दोस्तों यहाँ पे जो कोड है दिया हुआ, जिसको मैं हैड करके रखा हुआ हूँ, ये कोड डाल के आप बराबर चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है प्रोफाइल का, ठीक है। योर रिक्वेस्ट हैज इंटर अ मैनुअल क्यू फॉर रिव्यू, ये बोल रहा है कि मैनुअली रिव्यू होगा आपका,
रिटर्न इन 7 डेज, 7 डेज के बाद आपको आना है, फिर से चेक करना है रिकवरी अपना स्टेटस क्या है। योर अकाउंट विल ओनली बी रिव्यूड इफ़ यू फेल द रिसेंट लॉगिन सिक्योरिटी चैलेंज। ये बोल रहा है दोस्तों कि ये उसके लिए है जो सिक्योरिटी चैलेंज फेल किए हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत लोगों का जो आईडी ब्लॉक हुआ है, ब्लॉक वाले के भी रिकवर एक्सेस का ऑप्शन आया है, तो प्लीज़ वो उनके लिए नहीं है जिनका ब्लॉक हुआ था, जिनका कंट्री कोड डालने से या कंट्री गलत डालने से ब्लॉक हुआ था, उनके लिए नहीं है ये, इनके लिए है जो मैं अभी कर रहा हूँ प्रोसेस, जो फॉर्म भरने में गलती किए हैं या फॉर्म बैक कर दिए हैं। ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी फॉर्म जो भरने में गलती किए हैं या बैक कर दिए हैं, उनके लिए ये है, ठीक है दोस्तों। तो ब्लॉक वाले प्लीज़ नहीं कीजिएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो कोड है दोस्तों, ये रिक्वेस्ट 7 डेज क्लोज डाटा एंड रिलेटेड, इट विल नॉट बी रिव्यूड एंड विल, दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर उस रीजन से जो भी हुआ है तो वो भी रिव्यू नहीं किया जाएगा, आपका डाटा क्लोज भी हो सकता है, इसे जो ब्लॉक वाले हैं वो ये ना करें। उसके बाद दोस्तों देखिए, नीचे लिखा हुआ है आपका कॉपी कोड, तो यहाँ पे क्या करना है, कोड को कॉपी करना है, कॉपी अपना कर लीजिएगा, कॉपी पे कोड पे क्लिक करना है। दोस्तों देखिए, कॉपी कोड पे मेरा क्लिक हो गया, ये देखिए लिख रहा हुआ है कि कोड कॉपीड हो गया है। अब दोस्तों कंट्रोल भी एक होता है टाइप में, मतलब आपका जो टाइप राइटर है, आप लैपटॉप में काम कीजिएगा तो वहाँ पे कंट्रोल भी दबिएगा तो पेस्ट हो जाता है, तो हम लोग तो भाई पेस्ट आराम से करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे ये कोड हो गया दोस्तों, इसको ओके कर लेना है, ठीक है, ओके हमने कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि आपको उस कोड को कहीं सेव कर लेना है, तो चलिए मैं इसको व्हाट्सएप पर सेव कर लेता हूँ। दोस्तों व्हाट्सएप पर मैं सेव कर लेता हूँ, देखिए व्हाट्सएप में आ गया, और यहाँ पे मैं अपनी वाइफ का जो है व्हाट्सएप खोल रहा हूँ, वहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ ताकि सेफ रहे, ठीक है। यहाँ जो देखिए ये खोल लिया, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दूंगा, ये कोड को पेस्ट मैंने कर दिया दोस्तों, इसको यहाँ पे ये कर दिया ताकि आगे चल के मैं इसको कॉपी करके चेक कर सकूँ, तो वाइफ के पास चला गया, यहाँ पर सेफ रहेगा। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पर हाइड करके रखा हुआ हूँ ताकि आपको दिखाऊँ नहीं, आप भी किसी को नहीं दिखाइएगा, नहीं बताइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं ये कॉपी हो गया, यहाँ पे मैं डाल दिया, मैं इसको लिख भी लूँगा कहीं, ठीक है। अभी फिलहाल दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रिकवरी एक्सेस पे क्लिक करके और यहाँ पे चेक करके, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना चेक, अगर अभी आप चेक कीजिएगा दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं देखिए वो कॉपी हमने कर लिया था, यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया पेस्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो कोड यहाँ पे आ गया दोस्तों, कोड यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसको चेक पे क्लिक कर देना है, चेक पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर रिव्यू मैनुअल रिव्यूज आर अंडर वे, चेक बैक इन अ फ्यू डेज। दोस्तों ये बोल रहा है कि अभी रिव्यू में चल रहा है आपका आईडी, अंडर रिव्यू है, आप प्लीज़ कुछ दिन के बाद आएँ, आप फिर से आप चेक करें, तो आपको ऐसे ही चेक करते रहना है, तो वो जो चीज़ कोड आपके पास रहेगा तभी आप चेक कर सकते हैं, तो कोड को कॉपी कर लीजिए, लिख भी लीजिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए, ये वीडियो मुझे बताना था, प्लीज़ आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या करना है, सावधानी से कीजिएगा, तो बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू वेरी मच वीडियो देख। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कैसे फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, और जाहिर सी बात है ये गलती आप नहीं करेंगे, अब गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत लोग तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं डाल पाते हैं, जिनका आईडी लॉगिन था दोस्तों वो भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल पाए, पत्नी का जो आईडी है उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। अब गलती कीजिएगा दोस्तों तो इसका सजा तो भुगतना पड़ेगा, गलती बिल्कुल नहीं करना है, गलती का कोई यहाँ पे, चूंकि दोस्तों वो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहे जो आपको मालूम है, अब डेट ऑफ बर्थ गलत डालिएगा तो भैया इसमें क्या कोई कर सकता है, तो प्लीज आप लोग अच्छा से भरिएगा। और 3 बजे मीटिंग है दोस्तों, टेलीग्राम पे मीटिंग में लेता हूँ, 3 बजे संडे है आज, तो संडे के दिन कमेंट वाला वीडियो भी आएगा, रात में आएगा, लेकिन 3 बजे से मैं मीटिंग भी रखा हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है मीटिंग का, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इस मीटिंग में भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, आगे क्या काम करना है। और प्लीज दोस्तों मैं यही मान के उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जो मीटिंग में लोग आएंगे तो वहां पे ये शिकायत लेके नहीं आएंगे कि सर मेरा फॉर्म भरने में गलती हो गया, हमने फॉर्म गलत भर दिया है प्लीज, क्योंकि कुछ ऐसा भरना उरना है नहीं, जो भी है इस वीडियो में आपको बता ही रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा फॉर्म को सही से भरिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और शेयर तो जरूर कीजिएगा, अपने डाउनलाइन में बताइए उनको कि ऐसे फॉर्म भरना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चलिए अभी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91, जय 5 बिलियन सेल.com।